लेट हो जाएगा। मेरा ऑफिस तो सुबह 10 बजे है, सुबह के 6 बजे ही हल्ला काटना शुरू कर देती है। 10 बजे का ऑफिस है तो 10 बजे ही उठोगे क्या? उठो शांति से। मैं कुछ बोला भी, उठ रहा हूँ। 2% की नौकरी है, सारा घर सर पे चढ़ा देती है सुबह सुबह। पता नहीं उन औरतों को कौन कहता नौकरी का। औरतों के काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। सैलरी का मैं इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, हमें घर का भी देखना होता है और बाहर का भी देखना होता है। अब उठो जल्दी से, और अंजना को भी उठा दो। अब मैं तुझे क्या कुछ कह रहा हूँ, मन की भी बात पट लेती। अब तो मन में भी बात नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। रंजना बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। उठ रही हूँ। अरे उठ जा, सुबह से सोती रखा है तेरी माँ ने मेरे को, तेरा भी नंबर आ जाएगा। उठ गई पापा, उठ गई। चल फटाफट रेडी हो जा। मैं रेडी हो रही हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो आप, ठीक है? ठीक है। मम्मी मेरे सॉक्स कहाँ है? वहीं देख, ड्रॉल में पड़ी होगी। मम्मी मेरी बेल्ट भी नहीं मिल रही। वहीं देख, दरवाजे के पीछे टंग रही होगी। अपनी चीज भी ढूंढ नहीं सकती अभी तक खुद से। आप ही तो खाली खड़े हो, आप इसकी हेल्प नहीं करा सकते? इसकी तो बस भी छूट गई होगी, छोड़ के आओ आप ही से। ठीक है। हाँ हाँ आ गई। तुझको पता तो है यार, इस घर में कोई हेल्प तो करवाता नहीं है। सुबह से उठते ही ना काम में लगना पड़ता है, कोई हेल्प करवाता है नहीं। मम्मी यार मेरा पेस्ट देखो, मैं 3 दिन से कह रही हूँ नया दे दो, नया दे दो। अरे दबा के निकाले, निकल जाएगा। नहीं निकल रहा है मम्मी, 3 दिन से दबा दबा के ही निकाल रही हूँ। अच्छा रुक, आ रही हूँ। अभी 2 दिन का और है इसमें ले। फालतू का ही शोर मचाती रहती है, बस पैसे वेस्ट करने होते हैं इनको तो। मम्मी यार पेट देखो कितनी छोटी होती जा रही है, सर रोज साइड में खड़ा कर रहे हैं मेरे को। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? चल अभी तो तू चली जा, मैं तुम्हें शाम को। हाँ नैया ले आना। नहीं पागल है, नीचे से फटे खुलवा दूंगी, 2 साल और चल जाएगी। बाप फालतू में बेकार में इनको पैसे वेस्ट करने। हाँ पहले फटा खुलवा लेना और अगली बार एक्स्ट्रा कपड़ा लगवा लेना, मेरी पूरी स्कूल लाइफ इसी एक पेंट में निकल जाएगी। और ये टिफिन, अचार और पराठे रखी है, 2 पराठे है, दोनों खुद को ही खानी है, कहीं अपने दोस्तों को बांट आई। ठीक है मम्मी, किसी को नहीं खिलाऊंगी, अपना भी खा जाऊंगी और उनका भी खा जाऊंगी। हाँ खा लियो। मम्मी मुझे 2 बुक्स लानी है, तो मैं ट्यूशन जाऊंगी तो लेते हुए जाऊंगी, तो मुझे पैसे दे देना ठीक है? अरे अपने शर्मा जी का चिंटू कौन सी क्लास में? वो तो 12th में है। हाँ वही तो पूछ रही हूँ, उसके पिछले साल की किताबें पढ़ी होगी, मैं उससे पूछ के तुझे दे दूंगी ठीक है? चिंटू, चिंटू आपको पता है चिंटू ने बुक्स ली थी सोनू भैया से, और सोनू भैया ने ली थी बिंटू भैया से, और बिंटू भैया ने पता नहीं किससे ली होगी। यार मम्मी इतनी पुरानी बुक्स पढ़ूंगी क्या मैं? अरे बुक नई हो या पुरानी, अक्सर तो वही लिखे हुए आ रहे हैं ना सालों से, और उसमें ऊपर से उसने मार्क और कर रखी होगी, और इम्पोर्टेंट का भी तुझे पता चल जाएगा। बस फालतू में पैसे वेस्ट करनी है इनको तो। मम्मी मैं तो नहीं मांगने वाली उनसे। तो ठीक है मैं मांग के ला दूंगी तुझे, मांग लेना। चली जा नाराज होके, एक एक पैसा कैसे बचाया जाता है वो हमें ही पता है। हाँ हाँ आ रही हो ना यार, कैसी बात कर रही है, कहाँ जाना है तुझे? मम्मी वो आयुषी के बर्थडे पर। अच्छा अच्छा यार मम्मी गिफ्ट क्या लेके जाऊं? रुक ये ले जा, मग। हाँ तो और क्या मम्मी, मैं मग नहीं दूंगी। तेरे बर्थडे पे ना तेरे 8 दोस्तों ने तुझे मग ही दिया था, मैंने सबके नाम नोट कर रखी है मैंने, और इस बार तेरे से भी सबको मग ही दिलवाऊंगी। मम्मी आपको भी बुरा ही लगा था ना मग को देखकर, तो मैं भी वही काम क्यों करूं? तो मग की दुकान खोलू मैं? मुझे जाना नहीं है बर्थडे पे। मत जा, लाओ दो लाओ दो। अलार्म अपने लिए थोड़ी लगाती है, हमारे लिए लगाती है, पढ़ना नहीं लिखना नहीं, बस हमारी नाक में दम करा लो हमारी। उठ जा, घंटे पर से तेरा अलार्म बज रहा है, स्कूल नहीं जाना तो नाम कटवा दो तेरा। मम्मी यार मेरे को भी तो अपनी चिंता है यार, आप 10 मिनट से अलार्म बज रहा है, आपने 1 घंटा भर कर दिया। हाँ पता है कितनी चिंता है। मम्मी
यार 1000 रुपये दे दो। 1000 रुपये क्यों भाई? वो एनुअल डे के फंक्शन पे मैंने पार्टिसिपेट किया है तो उसके पैसे दे दो। बस स्कूल वालों का यही है, एनुअल फंक्शन करवा रहे हो तो खुद ही दो ना ड्रेस के पैसे। मम्मी मैं कोई अकेली नहीं दे रही, सारे बच्चे ही दे रहे हैं। हाँ तो स्टेज पे जाके कुछ करते हैं, तेरी तरह नहीं है। पिछले साल तो एनुअल फंक्शन पे गेंदे का फूल बन के खड़ी हुई थी। मम्मी क्या है, मैं छोटी थी। हाँ तो बड़ा हो गया तो तेरे को पेड़ बना दिया होगा। अरे यार मम्मी आप पैसे दो लाओ। ले ले फूक ही ले। बाप कैसे कमाता है ना पैसे, जब खुद कमाएगा ना तब पता चलेगा तेरे को। मुझे नहीं चाहिए, रहने दो आप। गुस्सा क्या हो रही है? कल को हम जब बूढ़े हो जाएंगे और तेरे से पैसे मांगेगी तो तब देखूंगी मैं तुम्हें कितने पैसे देगी। नहीं नहीं अब तो तू ले, कल को तू तो कह देगी आप लोगों ने किया क्या है मेरे लिए। नहीं मम्मी मैंने पैसे मांगे, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं बेटा गलती तो हमसे हुई है। आऊंगी तेरे पापा को, सारी हरकतें बताऊंगी तेरे। मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? बेटा यूनिफॉर्म तो तुझे ही पता होगी ना। मम्मी मैंने कल ही धोने डाली थी। बेटा फिर तो लग रहा है मशीन में ही पड़ी है वो। तो मम्मी मैं स्कूल क्या पहन के जाऊँ, आपने धोई क्यों नहीं? बेटा तुझे पता तो है कल मैं कितना बिजी थी। पहले यहाँ डिम्पल आंटी के यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ था, उसके बाद मिन्नी का वो सगन का फंक्शन था, तो मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला बेटा। तो दोपहर में तो आप फ्री थी ना? बेटा दोपहर में पार्लर जाना था और तुझे पता है सिर्फ हेयर स्पा ही हो पाया, ब्लीच और ये हेयर फेशियल और ये तो सारा रह गया था मेरा। बहुत बहुत बिजी थी बेटा, टाइम ही नहीं मिल रहा था मेरे को। फिर तो आज दोबारा जाना होगा? हाँ बेटा जाना ही पड़ेगा। तो मम्मी यूनिफॉर्म का क्या करूँ? अरे बेटा वही पहन जाना, कौन देख रहा है गंदी है या साफ है। मम्मी यूनिफॉर्म चेकिंग के मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे फाइन में। हाँ तो मैं तेरे को 200 रुपये दे रही हूँ। क्या मतलब आज भी नहीं धुलवाओगी? नहीं नहीं टिफिन नहीं बनाया ना मैंने, तो कैंटीन से कुछ खा लियो। अच्छा आज 11 बजे पीटी है, मैं स्कूल आ जाना। 11 बजे तो लाला मुझे पार्लर जाना है। और क्या ही बोलेगी टीचर, बोलेगी पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है और डिस्टर्ब करती है क्लास में। वो तो मुझे ही पता है बेटा, उसमें नया क्या है। तू सुधर जाना बेटा, फिर मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है तो दोपहर में तो घर पे मिलोगी? हाँ ऑब्वियसली। ठीक है। मम्मी कहीं जा रही हो? आ गई? हाँ बेटा आज मेरी किटी और मैं तेरे को बताना ही भूल गई थी। अच्छा खाना बना दिया आपने? हाँ खाना तो बना दिया, पर तुझे पता है बांधने का ड्रेस कोड रखा हुआ था और मैंने ज्वेलरी अरेंज की बड़ी मुश्किल से। चल तू छोड़ ये सब और तू खाना खा लेना और मैं 2 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है। रंजना जल्दी कर बेटा, बस छूट जाएगी। मम्मी मैं तैयार ही हूँ, आप 1/2 घंटे पहले भेज देती हो मेरे को। हाँ ठीक है, लेट होने से जल्दी जाना अच्छा है। जा जा रही हूँ जा रही हूँ। बाय मम्मा। रुक ये बादाम खा के जा। मुँह क्या बना रही है, बहुत दिमाग तेज होता है इनसे। तो मम्मी कम खिलाया करो, कहीं पढ़ने की जगह पढ़ा के नहीं आ जाऊं। जा लेट हो रहा है। बाय। टिफिन तो यही भूल गई है। रंजना ये टिफिन तो ले ले बेटे। अरे कोई टिफिन नहीं लाता मम्मी, कैंटीन से खा लूंगी मैं। कैंटीन का कूड़ा खा सकता है लेकिन टिफिन नहीं खा सकता है। रखा ही क्या वहां पे वो बस्ती आलू की पेटीज? अरे यार दे दो। हाँ ले पूरा खा लियो वरना बहुत पिटेगी। हाँ मम्मी ठीक है। और सुन वो टेस्ट की तैयारी कर ली थी? हाँ कर ली मम्मी। बस मैं रिवाइज करते हुए जाना, फालतू में इधर उधर पक पक मत करना। मम्मी जाने दोगी तभी तो यार। अच्छा ठीक है जा। नंबर नहीं कटना चाहिए टेस्ट में। मम्मी मैं जा रही हूँ। कैसा हुआ टेस्ट? बढ़िया। कितने नंबर आए? अंदर आ जाऊ? अरे बता तो। 19.5। 19.5 आउट ऑफ 20 है, 50 नहीं है। हाँ हाँ पता है 20 का है, 19.5। कहाँ कटा आधा नंबर? अरे वो ये कोई सिली मिस्टेक हो गई थी। क्या होती है सिली मिस्टेक? आधा नंबर तो कट गया ना, तेरी पोजीशन बनेगी नहीं फाइनल में से। मम्मी अंदर तो आ जाओ यार, आप गेट पर ही डांट रही हो। पार्टी कौन कौन आ रहा है?
हम चार पांच ही दोस्त हैं। चार या पांच? चार। अभी तो पांच कह रही थी। हाँ चार चार। हाँ अच्छा सही में भाई, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ मैं अभी निकल रही हूँ बस, मम्मी मैं जा रही हूँ। ठीक है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।